हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस चैप्टर में। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है किसी को मेजॉरिटी के ग्रुप से बाहर रखना, कोई पर्सन या फिर कोई कम्युनिटी है, क्योंकि वो आपसे डिफरेंट है, तो इस वजह से उसे मेन स्ट्रीम का पार्ट न समझना। अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने कैसे इस मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट किया है, इसका सामना कैसे किया है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी रीड अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स। हमने आदिवासीज और मुस्लिम ग्रुप के बारे में डिस्कस किया एंड देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कैसे उन्होंने उनके अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी हुई उसको और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को एक्सपीरियंस किया है। दो पावरलेस, हालांकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं पावरलेस होते हैं, इतने ताकतवर नहीं होते। सच ग्रुप्स हैव फॉट, लेकिन फिर भी इन ग्रुप्स ने फाइट किया, लड़े ये लोग, प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूडेड और डोमिनेटेड बाय अदर्स। जब दूसरे लोगों ने इनको एक्सक्लूड कर दिया या फिर वो इनको डोमिनेट करते थे, दे हैव अटेम्प्टेड टू ओवरकम दिस सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इन्होंने अपनाई इसके लिए, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। और ये बहुत लंबी हिस्ट्री रही है किस तरीके से इन्होंने इन सिचुएशन से ओवरकम किया है। रिलीजियस सॉलेस, आर्म स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, देयर अपीयर टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग दिस। ये करने का कोई एक तरीका नजर नहीं आता कि अगर आप मार्जिनलाइज हो गए हैं तो कैसे वहाँ से ऊपर उठेंगे। अपलिफ्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके हैं, कई बार शांति से इन्होंने किया, कई बार आर्म स्ट्रगल, फिर कई बार खुद को इम्प्रूव किया, एजुकेट किया, इकोनॉमिकली खुद को अपलिफ्ट किया। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज डिपेंडेड ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट द मार्जिनलाइज्ड फाइंड देमसेल्व्स इन। आप किस तरीके को चुनते हैं स्ट्रगल करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिचुएशंस में आप हैं, किस तरीके से आपको मार्जिनलाइज किया गया है। सो इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। अभी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में, कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ थी, उनको इक्वल नहीं समझा जा रहा था, उसको कैसे चैलेंज किया। आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम्स, वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दे पोजेस इक्वल राइट्स दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो जितने भी मार्जिनल ग्रुप्स हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, वुमेन हो, सभी का ये कहना है क्योंकि वो इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो उनके भी इक्वल राइट्स हैं जिसको सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न। बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया उनके जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे देश का संविधान है, वो इज समथिंग दैट मार्जिनलाइज ग्रुप्स इनवोक इन द कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल के, अपने संघर्ष का ये जो रास्ता था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सहारा लिया एज अ पार्ट ऑफ दिस। वी विल लुक एट, इसी के एक पार्ट में हम ये भी देखेंगे हाउ राइट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू लॉज, डिफरेंट लॉज, कानून जो बने हैं, कैसे उन्होंने जो राइट्स थे, लोगों के अधिकार थे, उनको फिर कानून में तब्दील किया गया। लोग कैसे मानेंगे जब कोई कानून होगा अगर वो इन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, किसी को किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्या होगा ये कानून बताएगा। तो इन राइट्स को ट्रांसलेट किया गया लॉज में टू प्रोटेक्ट ग्रुप्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन। कॉन्टिन्यूस जो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनसे इन ग्रुप्स को बचाने के लिए। एंड विल ऑल्सो लुक एट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू प्रमोट द एक्सेस ऑफ दीज ग्रुप्स टू डेवलपमेंट। और किस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज फॉर्म की ताकि इन ग्रुप्स का भी डेवलपमेंट हो, ये बताया गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, तो पहला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करना, उनको एक्शन में लेकर आना। द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, भारत का संविधान, लेज डाउन द प्रिंसिपल्स दैट मेक आर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। उसमें कुछ प्रिंसिपल को ले किया गया है जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को और पॉलिटी को डेमोक्रेटिक बनाती है। दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली, ये जो राइट्स हैं, अधिकार है, सभी इंडियंस को अवेलेबल है इक्वली। एंड एज फार एज मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बात करें,
दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज, दो तरीकों से उन्होंने इन राइट्स को यूज किया है. फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स पर इंसिस्ट करते हुए, उस पर जोर डालते हुए उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को, सरकारों को, टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा था उसको पहचानने के लिए. सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, उसके बाद उन्होंने सरकारों को इंसिस्ट किया कि वो इन लॉज को, इन कानूनों को इन्फोर्स करे, एक्शन में लेकर आए. इन सम इंस्टेंसेस, कुछ इंस्टेंसेस में जो स्ट्रगल्स उन्होंने किए, ऑफ मार्जिनलाइज्ड, जो संघर्ष उन्होंने किए, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट को टू फ्रेम न्यू लॉज, कि नए कानून वो बनाएं इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए. तो फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके पहले तो सरकारों को बताया कि उनके खिलाफ ये इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और फिर उनको नए कानून बनाने के लिए मजबूर किया. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि जो अनटचेबिलिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है. वॉट दिस मीन्स, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का मतलब ये है दैट नो वन कैन हैंस फोर्थ प्रिवेंट दलित्स फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स, कोई भी इसके बाद रोक नहीं सकता दलित्स को खुद को एजुकेट करने से, एंटरिंग टेम्पल्स, टेम्पल में एंटर करने से, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज एट्सेट्रा, जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करने से. इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, इसका ये भी मतलब है कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना गलत है, एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और ये जो प्रैक्टिस है, अगर कोई प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी. अगर किसी पब्लिक प्लेस पर किसी भी पर्सन को जाने से मना करता है, टेम्पल्स में एंट्री से मना करता है, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी. इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ, अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, वो एक क्राइम है अभी. देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी सेक्शंस हैं जो कि हेल्प करते हैं स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, नोटेड दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा इस बेसिस पर, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, किसी धर्म को मानता है, किसी पर्टिकुलर रेस का है, कास्ट का है, किसी पर्टिकुलर जेंडर का है, मेल है, फीमेल है, या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर. ओके, तो दो आर्टिकल्स हमने देखे, आर्टिकल 17 में अबॉलिश किया गया है अनटचेबिलिटी को, और 15 में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा. इसके बारे में हमने 7th क्लास की बुक में डिटेल में देखा है, ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में प्रॉपर चैप्टर ही था वहाँ पर. दिस हैज़ बीन यूज बाई दलित्स टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को दलित्स ने यूज़ किया वहाँ पर इक्वालिटी ढूंढने के लिए, जहाँ पर उनको इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी, डिनाई किया जा रहा था, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया कि क्योंकि हमें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, या तो आप लॉ बनाइए, कोई कानून बनाइए इसके अगेंस्ट, जो कि बना भी. अनटचेबिलिटी अभी एक पनिशेबल क्राइम हो गया है, उसके लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट है. Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. तो अगर किसी सिचुएशन में किसी दलित को ये लगता है कि किसी इंडिविजुअल ने, किसी पर्सन ने, किसी कम्युनिटी ने, या फिर सरकार ने भी उनको बैडली ट्रीट किया है, वो फंडामेंटल राइट्स का सहारा ले सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनको कोर्ट करके अपील कर सकते हैं. दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन. वो सरकार का ध्यान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे, डिमांड करेंगे दैट गवर्नमेंट अबाइड बाई इट. सरकार जो है वो अबाइड है, बंधी हुई है एक तरीके से, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना है, एंड डू जस्टिस टू देम, और उनके साथ न्याय करना है. लाइक वाइज, इसी तरीके से अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे दलित्स कर सकते हैं, ऐसे ही दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है उसका सहारा लिया है. दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अच्छा, ये दो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. फर्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, और दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. स्पेशली इन दो राइट्स का जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्होंने, उनके लिए बहुत यूजफुल है. इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अगर हम बात करें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स लाइक मुस्लिम, डिफरेंट जो कल्चर या फिर रिलीजन के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, उनको ये राइट है टू बी द गार्डियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर.
उनके कल्चर का जो कंटेंट है वो उसको गार्ड कर सकते हैं, एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व, और डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके से ये जो उनके कल्चर का कंटेंट है उसको वो प्रिजर्व करके रखे। दस बाई ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीकों से कल्चरल राइट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो वो इंश्योर करता है कि सभी को कल्चरल जस्टिस मिले, न्याय मिले। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि इन लोगों का जो कल्चर है, क्योंकि माइनॉरिटी में है, कम लोग हैं उस पर्टिकुलर कल्चर को मानने वाले, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इनको डोमिनेट ना करे, इनको दबाए ना, या फिर इनके कल्चर को कभी वाइप आउट ही ना कर दे, बिल्कुल ख़त्म ही ना कर दे। नाउ लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, अभी हम बात करेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए जो लॉज हैं, कानून हैं उनके बारे में। एज यू हैव रीड, जैसा कि हमने पढ़ा, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, सरकार कानून बनाती है उनके जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। येट दिस इज़ नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक एक्शन, अभी ऐसा नहीं कि सबके लिए कानून बना दिया, गवर्नमेंट बस इस तरीके से ही एक्ट नहीं करती। देर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आर कंट्री, हमारे देश में मार्जिनलाइज लोगों के लिए स्पेसिफिक कानून है, अलग से कानून है और पॉलिसीज हैं। देर आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप अ कमेटी, और भी जो पॉलिसीज है, स्कीम्स बनती हैं अलग अलग तरीक़ों से बनती है, जैसे कि कमेटी कोई सेटअप की जाएगी और बाई अंडरटेकिंग सर्वे किया जाएगा। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, फिर सरकारें जो हैं वो कोशिश करती है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए जिससे कि इन स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, आगे बढ़ने के मौके दिए जाए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स क्रिएट करती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर उन एरियाज में जहाँ पर दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स इन ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी, जो आदिवासी या फिर दलित कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में हॉस्टल में रहने के लिए या फिर सब्सिडाइज हॉस्टल में रहने के लिए दिया जाता है। कुछ हॉस्टल्स हैं जो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है, जिससे कि वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके, दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, उनके लोकेलिटी में एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं दूर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फ्री में रहने के लिए हॉस्टल्स उनको दिए जाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है पॉलिसी का। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़, इन कुछ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के अलावा भी द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कॉन्क्रीट स्टेप्स आर टेकन टू एंड इनइक्वालिटी इन द सिस्टम, सरकार कुछ कानून भी बनाती है ताकि कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जाए जिससे कि सिस्टम में जो इनइक्वालिटी है इसको एंड किया जाए। वन सच लॉ और पॉलिसी इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी, ऐसी एक पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी दैट टुडे इज़ बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस, आज के टाइम पर ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कंटेंशियस, बहुत एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। द लॉज विच रिजर्व सीट्स, अच्छा इसमें क्या कहा गया है रिजर्वेशन पॉलिसी में, ये एक ऐसा लॉ है, ऐसी पॉलिसी है जो कि रिजर्व करती है सीट्स को एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं वहाँ पर कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है दलित्स के लिए, आदिवासीज के लिए या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके लिए। आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, अभी इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है, इन अ सोसाइटी लाइक आर्स, जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, वेयर फॉर सेंचुरीज सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड टू वर्क, तो कई सौ सालों से पॉपुलेशन का एक ऐसा सेक्शन है जो माइनॉरिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, दलित्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी गई, मौके ही नहीं दिए गए पढ़ने के, काम करने के, इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड वोकेशंस, ताकि वो नई स्किल्स डेवलप कर सके। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अभी ज़रूरत है ऐसे स्टेप्स उठाने के, इनको असिस्ट करने के, इन सेक्शंस को सोसाइटी के। ओके, तो बहुत लंबे टाइम से उनको वो मौके ही नहीं मिले, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली, लोगों ने दबा कर रखा मेजॉरिटी के सेक्शंस ने। सो अभी गवर्नमेंट की ये कोशिश है, अगर आपको याद हो सेवन्थ क्लास में एक पिक्चर भी आपको दी थी इक्विटी और इक्वालिटी की, देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है इक्वालिटी और ये है इक्विटी। इक्वालिटी बोलती है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, वो पहले से ही बहुत ऊपर है,
तो इस केस में हमें लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा अपलिफ्टमेंट देनी पड़ेगी, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जिससे कि सभी लोगों को एक इक्वल लेवल पर लाया जा सके। यही एक आर्ग्यूमेंट है रिजर्वेशन पॉलिसी के फेवर में। नाउ हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? अभी हम देखेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और दलित्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। पूरे इंडिया में सभी गवर्नमेंट्स के पास, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एससीज की, एसटीज की और अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसीज की लिस्ट होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट्स लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी खुद की लिस्ट होती है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट। अगर कोई स्टूडेंट किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइबल स्टेटस। उन्हें प्रूफ वहाँ पर देना होगा कि वो उस कास्ट का है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर किसी पर्टिकुलर ट्राइब का है, इन फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। उसके पास उसका कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट होगा। मेनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट टू मेंशन देयर कास्ट एंड ट्राइब स्टेटस। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट क्या आपकी कास्ट है, क्या आपका ट्राइबल स्टेटस है, वो भी मांगती है। इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और सर्टेन ट्राइब इज़ ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिस्ट है, तो अगर वो कास्ट का पर्सन उस लिस्ट में होगा, देन द कैंडिडेट फ्रॉम द कास्ट और ट्राइब कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो फिर उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर एडमिशन टू कॉलेज, कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए, स्पेशली टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 अगर आपके 60 मार्क्स आए हैं तभी इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, तो 60 कट ऑफ है। दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन, बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड अबव द कट ऑफ पॉइंट। अभी ये जो कट ऑफ है ये भी इन रिजर्व क्लासेस के लिए थोड़ी कम रखी जाती है। मान लीजिए बाकी सभी कैंडिडेट्स को 60 पर एडमिशन मिलेगा और जो एससी एसटीज हैं उनको 55 पर मिल जाएगा। अभी अगेन इसके लिए वही रीज़न है, हो सकता है वो जो पर्सन आया है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, कोई उसके घर में उससे पहले पढ़ाई किसी ने ना की हो, कोई उसको पढ़ाने वाला ना हो, उसके पास उतने रिसोर्सेज ना हो, तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि उसके मार्क्स 60 नहीं आए, तो कट ऑफ को थोड़ा सा उनके लिए कम सेट किया जाता है। गवर्नमेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो एस सी एस टीज या ओ बी सी से बिलोंग करते हैं। क्लास 9 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें हम और डिटेल में देखेंगे जो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन है उसके बारे में। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।